हे आज के सब सभी आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से मेरी एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज अभी 11:30 बज रहा है और हम अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो मेरे तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए अभी हम प्रसादी खा रहे हैं, पेड़ किया मेरे के पड़ के प्रसादी भी खा रहे हैं। प्रसादी खा गए तो आज हम खा रहे हैं बच्चा बच्चा जो है तो वही हम खा रहे हैं। और आज हमारे घर में चिकन बनेगा तो चिकन का पूरा रेसिपी आप लोग को दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे बनाते हैं। और हमारे घर में चिकन तो मैंने अभी नहीं बनाया, सावन का जो बना था आषाढ़ पूर्णिमा में खाए थे, तो सावन भर नहीं खाए। इसके बाद फिर भादों पर दिया तो उसमें आगे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी में तीज, इसके बाद नहीं बनाया तो तीज का तो खत्म हो गया। और भी कर्मा है तो कर्मा तो हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए आज चिकन बनेगा हमारे घर में। तो चिकन का रेसिपी आप लोग पूरा दिखाएंगे, तो मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। किचन में चिकन रखा हुआ है। यहाँ देखिए गाइस, मेरी भाभी सब धोधा के इतना रखी, देखिए कितना सारा चिकन आया है। तो देखिए इतना सारा चिकन है तो पता नहीं झाई लगता 2.5 किलो का ना भाभी, 2 किलो देखिए 1.5 किलो है। हम लोग ज्यादा जन खाने वाले हैं, बहुत दिन से नहीं खाए तो सब थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही खाएगा। और ये देखिए प्याज भी कटा गया है। और यहाँ देखिए कढ़ाई में तेल भी मेरी भाभी डाल दिए, देखिए गर्म भी नहीं हुआ तो तेज पत्ता डाल दिए। और देखिए मसाला वसाला यहाँ तो मतलब प्याज वगैरह इसी चूल्हे पे मार लेती है, इसके बाद दूसरा चूल्हा में ले जाते हैं क्योंकि इसमें चिकन मटन वगैरह नहीं बनाते हैं इस चूल्हे में, उसके लिए अलग चूल्हा है। तो इसमें प्याज फ्राई हो जाएगा, भुना हो जाएगा, तब फिर हम लोग नीचे ले जाएंगे। तब देखिए गर्म भी नहीं हुआ था, डाल दिए तेज पत्ता। तो यहाँ देखिए गाइस प्याज मेरा ब्राउन हो गया है। और इधर देखिए मसाला का तैयार हो रहा है, तो इतना देखिए लहसुन इतना डाल रहे हैं, और फिर देखिए इतना अदरक, इतना अदरक और इसमें इतना मिर्ची, अब इसको पीसना है। तो ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। देखिए गाइस ये मसाला में हम लोग सूखा मसाला डाल रहे हैं, तो ये है धनिया का धनिया पाउडर और ये जीरा का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर। तो ये देखिए गाइस मसाला में इतना ही कुछ पड़ेगा, और इसमें मसाला नहीं डालना है, इसमें लाल मिर्च डालेंगे बाद में, और लाल मिर्च पड़ेगा तो लाल मिर्च बाद में डाल देंगे। और अब देखिए चूल्हे में प्याज ब्राउन हो गया है, देखिए आप इसको हम लोग दूसरा चूल्हा में लाए। देखिए चूल्हा हम लोग का कितना देर से गंदा हो गया, देखिए पड़े पड़े। चिकन नहीं बन रहा था गाइस, दो दो एक डेढ़ महीना से देखिए गंदा हो गया चूल्हा रखे रखे। और देखिए चिकन डाल दे दी, देखिए आप चलाइए।
यहाँ पर देख सकते हैं गाय चिकन को चला चला के 10 मिनट तक उसका पानी सारा सूख गया है, देखिए। और अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल देना है। तो यहाँ पानी हम लोग डाल दिए हैं, देखिए। उसको अच्छे से चला के उसमें गरम मसाला एक चम्मच डाल देना है, तो गरम मसाला भी डाल दिया है, देखिए गाय चिकन बन के तैयार हो गया है। अब उसको ढक देना है, बस ढक, चिकन बन के तैयार हो गया है। इधर देखिएगा ऊपर वाला चूल्हा में बन रहा है इधर पनीर, और पतीले में बनेगा पुलाव। तो उसके लिए पानी गर्म हो रहा है अभी, और देखिए पनीर का मसाला तैयार हो रहा है। तो चलिए अभी फटाफट हम पनीर काटते हैं। सारा पनीर हम यहाँ काट लिए गाइस, और यहाँ देखिए सारा मसाला भी तैयार हो गया था पूरा अच्छी तरीके से, और पानी भी तो गर्म नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ मसाला तैयार हो गया था, और उसमें पनीर डाल के उसको भी चला लेना है, अच्छे से भून लेना है। उसमें पनीर में तो सारा मसाला मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा मसाला मिक्स हो गया है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। देखिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, और बस यहाँ पानी डाल दिया, बस एक बार आने तक सूख चढ़ाए रखना है। बस पनीर भी बन के तैयार हो गया गाइस, ऊपर से एक चम्मच घी भी डाल देना है। तो यहाँ देखिए गाइस पनीर भी मेरा तैयार हो गया है। तो उसको कटोरे में हम लोग निकाल लिए हैं, और उसी कढ़ाई में अब धोके चावल भूनना है पुलाव के लिए। तो पानी देखिए उधर पानी गर्म हो चुका है, तो इधर चावल भूनना है। तो उसके लिए तेल डाल दिए देखिए, और इसमें तेजपत्ता और थोड़ा सा जीरा, और उसमें अब प्याज डाल के उसको भी थोड़ा सा भून लेना है। तो प्याज पूरा ब्राउन नहीं करना है गाइस। तो भुना गया, इसमें देखिए पुलाव का चावल हम लोग डाल दिए। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई छोटा पड़ गया है, उसको अच्छे से धीरे धीरे मेरी भाभी चला रही है। चावल ज़्यादा हो गया, कढ़ाई छोटा पड़ गया। तो इधर पानी भी खोल गया था, और कढ़ाई का सारा चावल इसमें डाल देना है गाइस। दोनों डाल दिए देखिए, सब इसको अच्छे से चला के 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गया था। तो ये देखिएगा चूल्हा भी बन के तैयार हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है, देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला बना है। तो सारा खाना बन के तैयार हो गया गाइस। नीचे वाला चूल्हा में चिकन है, उधर पनीर और पुलाव बन के तैयार हो गया, चूल्हे की साफ सफाई भी हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम सब पत्तल में खाने के लिए बैठे हैं। तो चिकन मटन वाला जो बनता है जिन लोग पत्तल में खाते हैं, यहाँ देखिए जो जो पनीर खा रहा है वो खा रहा है सब थाली में। और यहाँ पर देखिए हम पनीर सानी के लिए भी निकाल रहे हैं पुलाव और पनीर। किसानी मेरा नहीं खाता है चिकन मटन से, नॉन वेज नहीं खाता है, तो सानी के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं इंसान का खाना निकाल लिए गए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो